नमस्कार, न्यूज एट 11 देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत झालावाड़ से। बड़ी खबर आ रही है, झालावाड़ के खानपुर में निजी स्कूल फेरीलैंड की दादागिरी सामने आई है। स्कूल संचालक ने दबंगई दिखाते हुए 12वीं के बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया। महज फीस जमा नहीं करने पर स्कूल संचालक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर तुला है। बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं, लेकिन फीस जमा नहीं करने की वजह से बच्चों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। 12वीं में के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं और इसमें फीस नहीं जमा करने की वजह से स्कूल संचालक ने बच्चों को परीक्षा में शामिल होने से रोका हुआ है। बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं और निजी स्कूल फेरीलैंड की ये पूरी का वाकया है, जहां पर उसकी स्कूल की दादागिरी सामने आई है। स्कूल संचालक ने बच्चों को फीस नहीं जमा करने के लिए ये सजा दी है, अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया है और बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं। तो निजी स्कूल की दादागिरी, जहां पर जिन बच्चों ने स्कूल फीस जमा नहीं की है उन्हें बाहर रोका गया है परीक्षा तक में शामिल होने से। गौरव मोमिया हमारे साथ झालावाड़ से जुड़े हुए हैं। झालावाड़ से गौरव, निजी स्कूल और ये दादागिरी के परीक्षा में जाने से रोक दिया गया, महज फीस नहीं दी थी, इसलिए क्या फीस दिए जाने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? स्कूल से परीक्षा में रोके जाने का क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो करीब 9 बच्चे एक ही स्कूल के ऐसे हैं जिसने छात्रों को परीक्षा देने से वंचित कर दिया। करीब 9 जो बच्चे हैं स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं और मिन्नतें कर रहे हैं स्कूल प्रशासन से कि उन लोगों को परीक्षा दी जाए। जो साफ तौर पर हमारी बच्चों से बात हुई थी, बच्चों का कहना था कि उन्होंने आधी फीस पहले से जमा करा रखी और आधी फीस जो जमा कराने की उन्होंने बात की है लगभग 4 से 5 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी, लेकिन वो मोहलत भी जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने नहीं मानी है और इन बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया है। लेकिन फिर से इन्होंने परीक्षा देने की जिद करने लगे। स्कूल प्रशासन जब इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने सीधे जिला कलेक्टर से वार्ता की है और जिला कलेक्टर ने भी इस मामले में बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे सीधे स्कूल प्रशासन का पक्ष लेते हुए ये बात कही है कि जो स्कूल प्रशासन करेगा वो ही सही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पे जो स्कूल की दबंगई है वो साफ। गौरव, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बाहर खड़े हैं? बिल्कुल, देखिए अमित, अगर बात की जाए तो ऐसे 9 बच्चे हैं जिनकी फीस बकाया है और जिनको परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है। इन बच्चों ने जो यहाँ की जिला शिक्षा अधिकारी है इनसे भी फोन पे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका भी फोन नो रिप्लाई आ रहा है। जी शुक्रिया गौरव। तो गौरव बता रहे थे कि कलेक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की, जिला शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चों का साथ देने के लिए अभी कोई नहीं आया है। स्कूल संचालक के साथ खड़े हैं अधिकारी और स्कूल संचालक ने बच्चों को परीक्षा देने से रोका है महज फीस नहीं देने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के जवाहर नगर से पकड़े गए आईएसआईएस एजेंट को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान एटीएस कोर्ट में पेश करेगी इसे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस 5 दिन की रिमांड मांग सकती है। दोपहर 12 बजे के बाद एटीएस सिराजुद्दीन को पेश करेगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर सिराजुद्दीन को गुरुवार को राजस्थान एटीएस ने जवाहर नगर के एक फ्लैट से अरेस्ट किया था। सीरिया जैसे कई इस्लामिक देशों में उसके 80 कॉन्टैक्ट सामने आए हैं। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और 5 दिन की रिमांड, जैसा कि अभी जानकारी मिल पा रही है, एटीएस मांगेगी और उसके बाद और पूछताछ में आगे के खुलासे होंगे। आईएसआईएस का एजेंट है सिराजुद्दीन, जिसे गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में अलर्ट है इस गिरफ्तारी के बाद। सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद सभी जिला एसपी और रेंज आईजी को अलर्ट जारी किया गया है। 4 महीने पहले सिराजुद्दीन ने पत्नी और बेटे को बेंगलुरु भेज दिया था। आपको बता दें कि कर्नाटक गुलबर्गा से इसका ताल्लुक है। पत्नी और बच्चे को बेंगलुरु इसने भेज दिया था और पिछले 1.5 साल से वो जवाहर इनक्लेव इस इलाके में रह रहा था और करीब 100 फ्लैट हैं यहाँ पर। कई कंपनियों के कर्मचारी रहते हैं, आईओसी के भी इंप्लॉयज इस इलाके में रहते हैं, लेकिन सिराजुद्दीन को कल गिरफ्तार किया गया संदिग्ध गतिविधियों की वजह से। सोशल मीडिया से ये नेटवर्किंग करता था। सिराजुद्दीन को जवाहर एनक्लेव स्थित फ्लैट नंबर B605 से गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने इसके पास से एक लैपटॉप बरामद किया है जिसका डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।
ताकि उसमें जो भी कुछ जानकारियां हैं उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट से और उसकी हार्ड डिस्क से वो निकाली जा सकें। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल साइट से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान में ISIS का नेटवर्क फैलाने की जिम्मेदारी से सौंपी गई थी। 15 दिन पहले उसके खिलाफ शिकायत मिली थी, लेकिन ATS पुख्ता होना चाहती थी, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी होनी थी, और जब पूरे सबूत मिले तब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। और हमारे साथ वरुण भंसाली जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं जयपुर से। वरुण, 12 बजे का वक्त है जब ATS इसे पेश करेगी, इस वक्त उसे कहां रखा गया है और इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल वो ATS के पास ही है और 12 बजे के बाद किसी भी वक्त उसे पेश किया जा सकता है। और अभी मैं जहां मौजूद हूं अमित, वो जगह है जहां पर मोहम्मद सिराजुद्दीन रहता था। ये जो पूरी आप जगह देख पा रहे हैं, जवाहर एन्क्लेव का फ्लैट है, और उस इन्हीं फ्लैट्स में B605 नंबर के फ्लैट में वो रहता था। यहाँ पर कई सारे फ्लैट्स हैं जो इंडियन ऑयल के कर्मचारियों को दिए गए हैं, और इंडियन ऑयल के मार्केटिंग मैनेजर के नाते वो यहीं पर रहता था। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो लेटर बॉक्स जहां पर उसके सारे जो चिट्ठियां थी वो आती थी। ये B605 है। ATS ने इस लेटर बॉक्स को भी पूरी तरह से देखा था, पूरी तरह से इस लेटर बॉक्स की भी चेकिंग की थी, और अभी भी ये लेटर बॉक्स जो है वो पूरा भरा हुआ है। मेरे साथ कई सारे लोग भी मौजूद हैं जो इस फ्लैट में रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं कि सिराजुद्दीन यहाँ पर रहता था, आपने कभी उससे देखा, कभी मुलाकात की? आते जाते देखा था कि ये व्यक्ति है, यहाँ पे रहते हैं, बाकी ऐसा कभी मुलाकात बातचीत इस तरह का कुछ नहीं था। कभी उसकी किसी गतिविधि से लगा कि संदिग्ध है या ऐसा कोई काम कर रहा है? ना ना, ऐसा कभी नहीं लगा। वो सुबह जल्दी निकलते थे, रात को लेट आते थे, ऐसी सूचना है। बाकी अपने काम से काम रखते थे, सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल ना के बराबर था किसी से। सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्शन एकदम ना के बराबर था उनका? और कभी जब सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं तब कभी सक्रिय रूप से? ना ना, कभी किसी भी फंक्शन में कभी अटेंड नहीं किया उन्होंने, कभी किसी फंक्शन को अटेंड नहीं किया। कब से यहाँ पर रह रहे? करीब 7-8 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। तकरीबन 7 से 8 महीनों से यहाँ पर रह रहे थे, और इस पूरे फ्लैट में उनकी किसी के साथ कोई ज्यादा बातचीत नहीं थी। और ये पूरी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग उनके द्वारा, कि किस तरह से सिराजुद्दीन यहाँ पर रहता था। पूछताछ में कई और इनपुट्स भी सामने आए हैं। इनपुट्स में ये सामने आया है कि ISIS से पहले 2014 में IM से जुड़ा हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था सिराजुद्दीन, और उसकी भटकल से भी कई बातचीत सामने आई है कि भटकल के भी संपर्क में था जो IM का IM में काम करता था। इस तरह से कई सारे और इनपुट्स भी सामने आए हैं। ये जवाहर नगर का वो फ्लैट है जहां पर वो पिछले 7 से 8 महीने में रह रहा था। जी, अभी और भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेगी ATS जब उसकी रिमांड ली जाएगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारियां मिली हैं वरुण, उसके मुताबिक आपने बताया कि उस जहां फ्लैट में वो रहता था उसके लेटर बॉक्स से कई चीज़ें हासिल हुई हैं। लोगों को कभी शक नहीं हुआ इस इलाके के इस पर? देखिए, जैसा कि हमने लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि इंटरेक्शन था ही नहीं, न किसी सोसाइटी के प्रोग्राम में इंटरेक्शन था, न सोसाइटी के किसी लोगों से इंटरेक्शन था। हमारे साथ इंडियन ऑयल में काम करने वाले एक और शख्स भी हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। आपने कभी यहाँ पर देखा सिराजुद्दीन को? सिराजुद्दीन करीब करीब रोज आते थे देखने में। तो कभी किसी गतिविधि से लगा कि इस तरह का काम? ऐसा तो कभी नहीं लगा। लोग फालतू लोग भी उसके पास आते जाते नहीं थे। दूसरी बात, वो सुबह 9-9:30 बजे निकल जाते थे और शाम को 8-9 बजे 7 बजे ऐसे आते थे। बातचीत कभी हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कोई पार्किंग के बारे में कभी कुछ हुआ तो तुरंत हम किसी भी गार्ड को भेजते हैं तो तुरंत गाड़ी ठीक करने आ जाते थे। बिल्कुल सीधे सवाल के दिखते थे हमको, तो अब आगे क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, क्या। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज जो है उनसे पार्किंग के मसलों के अलावा और कभी कोई बातचीत नहीं हुई। सोसाइटी के और लोगों से हमने बात की, उससे सिराजुद्दीन की कोई बात नहीं हुई। कभी भी इंटरेक्शन ना के बराबर था, सोसाइटी के फंक्शंस में भी पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। सिर्फ सुबह निकलता था नौकरी के लिए और रात को वापस आता था, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और यहाँ की सोसाइटी वालों का कहना है कि इंटरेक्शन उसका सोसाइटी वालों से एकदम ना के बराबर था। अपने आप को एक आम शख्स दिखा रहा था सिराजुद्दीन, लेकिन
अब जब कुछ जो कुछ भी सामने आया है उसके फ्लैट से जो भी कुछ रिकवरी हुई है, दबीक जैसी आईएसआईएस की मैगजीन के भी अंश वहां पर मिले हैं, ये एक हैरान करने वाली बात है। वरुण, अगर सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहें कल किस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हो पाई, इसको सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बताएं तो। देखिए, 15 दिन पहले ही एटीएस को कहीं ना कहीं से ये सुराग मिले थे, कई लोगों से कंप्लेंट्स आई थी कि सिराजुद्दीन कई मामलों में संदिग्ध नजर आ रहा है, और ऐसे जब उनको इनपुट्स मिले तो उसके बाद उन्होंने पूरी जांच पुख्ता की कि सिराजुद्दीन के तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। जब उनकी जांच में ये पुख्ता हो गया कि आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है सिराजुद्दीन, तो उन्होंने सिराजुद्दीन को धर दबोचा। सिराजुद्दीन को जब पकड़ा गया तो उसके बाद उसके व्हाट्सएप से, उसके फेसबुक से, उसके इंटरनेट कनेक्शन से, उसके लैपटॉप से, उसके मोबाइल से कई ऐसे कनेक्शन सामने आए जो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। अजमेर में कई लोगों से वो जुड़ा हुआ था, नेटवर्किंग के लिए काम कर रहा था, आईएसआई के इसके लिए प्रचार कर रहा था, आईएसआईएस का कमांडेंट बता रहे हैं उसे, रिक्रूटमेंट्स करने की कोशिश थी। ये सारे इनपुट सामने आए और इसके बाद आज जो एटीएस है वो इसकी रिमांड के लिए बात करेगी। जी शुक्रिया वरुण। तो वरुण बता रहे थे कि 12 बजे के करीब, 12 बजे के बाद किसी भी वक्त एटीएस उसे पेश कर सकती है कोर्ट में और रिमांड लेने की कोशिश हो सकती है। लेकिन राजस्थान में आतंकी एजेंटों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर से पहले जोधपुर में भी 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक एजेंट ने 8 साल तक सेना में नौकरी भी की है। दोनों जासूसों को सीआईडी ने जोधपुर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और उनसे भी पूछताछ जारी है। और इधर इस गिरफ्तारी के बाद जयपुर में आईएसआई एजेंट के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी चिंता जाहिर की है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि यह गंभीर बात है और आईओसी में काम करने वाला एक शख्स, मार्केटिंग मैनेजर जैसा शख्स इस तरह की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ये बेहद गंभीर बात है और सरकार को इसे बेहद संजीदगी से लेना चाहिए और सोचना चाहिए।